तो आपके है, में। क्या है? थोड़ा उसके जी मैं सरकारी हॉस्पिटल गया कल साढ़े दस बजे करीब तो मैंने अपनी घरवाली को दिखाया वहाँ पर तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने से बात हुई मेरी तो उन्होंने मेरी घरवाली को देखा तो उन्होंने फिर देखने के बाद में पाँच मिनट के बाद में ये बोला कि आपके बच्चा खतरे में है आपके बच्चा बहुत ज़्यादा ख़तरे में है आप जो है इसे बच्चों को जो सुजीला तिवाली ले जाइए मैंने कहा सुशिला तिवाली क्यों ले जाइए अभी बच्चे अभी घरवाली की इतनी तबीयत ख़राब नहीं है अभी हल्की हल्की तबीयत खराब हुई है नहीं वगैरह नहीं इन्हें लेके जाना चाहिए अभी अभी लेके जाना चाहिए इनको तो मैंने कहा नहीं मैम ऐसा है अभी अभी हल्की फुलकी तबियत खराब हुई है आप घर वाले से देखो आप उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह सब में जाँचा वांचा सब करा के रखी थी मैंने सब कम्प्लीट किया उसके बाद में क्या होता है तो वो सुशीला तिवाड़ी का रेफर बना देते हैं उन्होंने कहा आप 108 सौ आठ मंगवाइए एक सौ आठ हम मंगवा के दे रहे हैं आप सुशीला तिवाड़ी लेके जाइए तो मैंने कहा अभी ऐसा नहीं है आप मैं इसे घर लेके जाता हूँ अब तो मैंने कहा घर में हम मशवरा करेंगे दो बच्चे भी दो बेटियाँ हैं मेरी अभी छोटी छोटी मैं उनको बेटिया को भी देखूँगा उसकी देखभाल करके उसमें लेके जाऊँगा तो मैं जब घर लेकर आता हूँ तो मेरा घर पर आने के बाद में डेढ़ घंटे के बाद में मेरा बच्चा हॉस्पिटल से मतलब गड़ा। घर पर हो जाता है घर पर हो जाता बच्चा मेरी जब मैंने दाई को बुलाया दाई ने डेढ़ घंटे में डेढ़ दो घंटे में मेरा बच्चा घर पर हो गया यानी कि मतलब ये ये चीज़ हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकती थी तब हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे भगा दिया वहाँ से आपने इसकी जी मैंने किसी से अधिकारी से कोई शिकायत नहीं करी क्योंकि वहाँ पर किसी ने नहीं सुनी वहाँ पर इन्होंने मैडम को मैडम ने फ़ोन करा अपने अधिकारी को अधिकारी ने भी साफ मना कर दिया जो उन्होंने अपने बड़े अधिकारी को फ़ोन करता उन्होंने कहा नहीं उन्हें बोलना है तो बोलने दो उन्हें आप एक के बारे में लिख दो एक सौ आठ जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा जहाँ पर मेरा बच्चा होता है कि जो मेरी बच्ची की एफ वगैरह सब होती है वहाँ पर वो उस तरह का मुझे नाई वो नाई नहीं मिला तो मुझे जब मेरा बच्चा घर पे हुआ है तो इस चीज़ का मुझे पूरा खर्चा मिलेगा मुझे आठ नौ हज़ार रुपये मैं कहाँ से दूँ मैं गरीब आदमी किराए के मकान पर रहता हूँ मैं जी उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए उसको यहाँ से भेजा जाए हॉस्पिटल से